हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्रद्धा इंग्लिश मीडियम स्कूल ऑनलाइन क्लासेस सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एंड स्टैंडर्ड सेवन्थ। आज हम स्टैंडर्ड सेवन्थ में हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है फ्रैक्शन एंड डेसिमल, उसके बारे में लर्न करने जा रहे हैं। तो ये सबसे आसान टॉपिक है, अपने स्टैंडर्ड 5th एंड स्टैंडर्ड 6th में भी आपने लर्न कर लिया है। आज उसके बारे में, उसके जो बेसिक टॉपिक है, इंट्रोडक्शन टॉपिक है, उसके बारे में मैं समझाने जा रहा हूँ। ये जो पूरा चैप्टर है उसमें हमारा जो फर्स्ट वीडियो होगा, जो यूट्यूब का जो फर्स्ट वीडियो होगा, उसमें हम फ्रैक्शन के बारे में लर्न करेंगे और सेकंड होगा उसमें डेसिमल के बारे में लर्न करेंगे। सबसे पहले यहाँ ध्यान दो इंट्रोडक्शन में कि फ्रैक्शन होता है क्या। सबसे पहले देखो फ्रैक्शन की डेफिनेशन देखते हैं कि फ्रैक्शन इज इक्वल टू अ फ्रैक्शन रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑफ, क्योंकि वोल है पूरा, एक पूरी चीज़ है, उसमें से उसका कोई भी एक छोटा सा ऐसा पोर्शन है वो हमें रिप्रेजेंट करना है। तो किसकी हेल्प से हम कर सकते हैं? फ्रैक्शन की हेल्प से। चलो एक एग्जांपल आपको मैं दे रहा हूँ। आपके पास चॉकलेट बार है, आपके पास क्या है? चॉकलेट बार है, उसके टोटल 4 पार्ट में वो डिवाइड है। आपके पास एक चॉकलेट बार है, वो 4 पार्ट में डिवाइड है, उसमें से 1 पार्ट है। चलो देखो ये 1 पार्ट है, वो मैंने खा लिया, तो उसको फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे लिखेंगे? टोटल कितने पार्ट थे? 1, 2, 3, 4, और कितना पार्ट खा लिया मैंने? 1, तो 1/4 क्या होगा? 1/4। इसी तरह हम दूसरा एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, एक पिज्ज़ा है, वो टोटल, वो भी 4 पार्ट में डिवाइड है, लेकिन उसमें मैंने 3 पार्ट मैंने खा लिया, तो उसका फ्रैक्शन क्या होगा? टोटल कितने पार्ट? 4। कितना पार्ट खाया? 3 पार्ट, तो फ्रैक्शन क्या होगा? 3/4। सो आपको फ्रैक्शन के बारे में तो समझ में आ गया कि हमने लोअर स्टैंडर्ड में हमने ऐसे पिज्ज़ा है, चॉकलेट बार है, उसमें उसी थ्रू हमने कोई भी शेप है उसके थ्रू हमने ये फ्रैक्शन के बारे में देखा था। नो, फ्रैक्शन स्टार्ट करने से पहले उसके जो 3 मेन टर्म है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो चलो मैंने यहाँ एक फ्रैक्शन लिखा है 3/4, क्या लिखा है? 3/4। तो उसमें सबसे पहले देखो जो ये ऊपर की वैल्यू है, 3 वाली वैल्यू, उसको बोलेंगे न्यूमरेटर। क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। और जो नीचे की वाली वैल्यू है उसको बोलेंगे डिनोमिनेटर। क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। और बीच में है उसको हम फ्रैक्शन बार या डिवीजन बार दोनों बोल सकते हैं। ये 3 टर्म है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आने चाहिए कि ऊपर की वैल्यू होती है उसको न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे की वैल्यू होती है उसको डिनोमिनेटर बोलते हैं, और बीच में होता है उसको क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन बार। अब हम टाइप ऑफ फ्रैक्शन के बारे में लर्न करने जा रहे हैं। टाइप ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के भी डिफरेंट टाइप हो गए ना, उसके बारे में लर्न करना। तो फर्स्ट है प्रॉपर फ्रैक्शन, नाम सुनना, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा? उसमें डिनोमिनेटर की वैल्यू न्यूमरेटर से क्या होगी? ज्यादा होगी। याद रखना डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या होगी? ऑलवेज ज्यादा न्यूमरेटर से। उसके एग्जांपल 3/7, देखो यहाँ 7 3 से बड़ा है, डिनोमिनेटर की वैल्यू ज्यादा है तो कौन सा होगा? प्रॉपर फ्रैक्शन। 2/5, 5 की वैल्यू ज्यादा है, मीन्स डिनोमिनेटर की वैल्यू ज्यादा है तो कौन सा होगा? प्रॉपर फ्रैक्शन। सेकेंड टाइप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में देखने जा रहे थे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में प्रॉपर फ्रैक्शन का उल्टा, उसमें न्यूमरेटर की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी। क्या होगी? न्यूमरेटर है उसकी वैल्यू ज्यादा होगी डिनोमिनेटर से। 7/4, उसमें 7 ज्यादा है। 9/5, उसमें 9 बड़ा है, तो न्यूमरेटर की वैल्यू क्या है? ज्यादा है। और थर्ड है मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स, अपने नाम सुनकर ही पता चल गया कि उसमें सर 2 चीज मिक्स की होगी, कौन सी? एक वोल नंबर है और दूसरा है प्रॉपर फ्रैक्शन। देखो ये जो यहाँ एक एग्जांपल दिया है, 1 है वो क्या है? आपका वोल नंबर है। और यहाँ प्रॉपर फ्रैक्शन, जो प्रॉपर फ्रैक्शन में हमें पता है डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी। तो देखो ये 4/7, तो उसको रीड कैसे करते हैं? 1/4/7 मिक्स फ्रैक्शन। दूसरा एग्जाम्पल 3/1/2, वो भी क्या है? मिक्स फ्रैक्शन। नाउ अब हम सबसे पहले 2 टर्म हम सीखने वाले हैं,
दो चीज कन्वर्जेशन में, कन्वर्जेशन में हम दो टर्म सीखने वाले। सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को याद रखना है, आप सभी को अच्छी तरह से याद होना चाहिए। मिक्स फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट करेंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। किस में? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। और दूसरा जो होगा हमारा वो होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को किसमें कन्वर्ट करना है हमें? मिक्स फ्रैक्शन। किसमें कन्वर्ट करना है? मिक्स फ्रैक्शन। दो चीज हमें सीखनी है, आप सभी का ध्यान यहां होना चाहिए अच्छी तरह से कि चलो हमें मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले कैसे होगा वो देखते हैं। चलो कोई एक एग्जांपल लेते हैं मिक्स फ्रैक्शन का। 3 1/2 उसको मुझे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो कैसे होगा? सिंपल सी ट्रिक है मेरे भाई, ये जो 2 है वो 3 के साथ क्या होगा? मल्टीप्लीकेशन होगा, और ये दोनों का जो एडिशन आया, जो वैल्यू आई, उसको 1 के साथ हमें क्या करना है? एडिशन करना है। मतलब कि हमें क्या करना है? सबसे पहले जो ये डिनोमिनेटर है मीन्स 2, उसको ये जो साइड की जो वैल्यू है उसके साथ पहले मल्टीप्लीकेशन कर देना है, और ये दोनों का जो आंसर आएगा उसमें हमें क्या कर देना है? ऊपर की वैल्यू ऐड कर देनी है, और नीचे ऑलवेज क्या रहेगा? डिनोमिनेटर। 2 3 6 6 + 1 तो 7/2। ये क्या हो गया हमारा? जो मिक्स फ्रैक्शन है उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमने कन्वर्ट कर दिया। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं, अब कोई भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उसको हमें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो उसका एक एग्जांपल हम लेते हैं 9/5 को। क्या एग्जांपल लेते हैं हम? 9/5। तो चलो सबसे पहले क्या करेगी? डिवीजन करेगी। क्या करेगी? डिवीजन। चलो 9 / 5, 5 बन जा 5, 9 में से 5 चला गया 4। चलो सॉरी, इतना डिवीजन तो यार हमें सेकंड थर्ड क्लास में भी हमने लर्न किया था, फर्स्ट क्लास में आता था। अब देखो अब हमें क्या करना है? रिवर्स साइकिल करनी है। ये जो 4 है उसको ऊपर जाने देना है, ये 1 को साइड में जाने देना है, और ये 5 कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। तो देखो 5 हमारा बेस है, 5 4 कहाँ चला गया? ऊपर। 1 कहाँ आ गया? साइड में। तो ये 1 4/5 मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था 9/5 उसको हमने क्या किया? मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया 1 4/5। सो आपको कन्वर्जेशन के क्वेश्चंस 1 या 2 मार्क्स में एग्जाम में आ सकते हैं। सो आपको अच्छी तरह से कन्वर्जेशन भी आपको याद होना चाहिए कि मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करें, और दूसरा है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करें। तो आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया। जो सेकेंड वीडियो होगा उसमें आप देखो, उसमें हम फ्रैक्शन के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के बारे में देखेंगे, और फिर हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम डेसिमल का जो कॉन्सेप्ट है वो हम लर्न करेंगे। तो आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ गया है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।